वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अ क्लास वन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 11। चलो लौट चलें। रामपुर गांव में सेठ जी की दुकान थी, उसमें दैनिक उपयोग की प्राय सभी वस्तुएं मिलती थी। दैनिक उपयोग यानी डेली यूज से रिलेटेड है ना। एक दिन सेठ जी के समीप के गांव में कुछ बोरियां जिनमें दैनिक उपयोग करने वाला सामान था मंगवाया। मजदूर एक ट्रक में बोरी भरकर लाए। उन बोरियों में चूहे ने भी अपना परिवार बसाया हुआ था, सो वे भी साथ चले गए। अब बोरियां उतारी जा रही थीं तो वे उनमें से उछल उछल कर निकल गए और ट्रक के नीचे बैठकर सभा करने लगे। मुखिया चूहा बोला कि अब हमें इस नए गांव में ही बस जाना होगा, लगता है कि यहाँ हमें किसी बात की कमी ना रहेगी। उसकी बात सुनकर युवा चूहा बोला, मैं अब किसी गांव में नहीं रहूँगा, मैं शहर जाऊँगा। मैंने मज़दूरों को बात करते सुना है कि बोरियाँ उतारकर ट्रक शहर जाएगा। मैं तो उसमें कहीं भी छिपकर बैठ जाऊँगा और शहर चला जाऊँगा। सुना है वहाँ बहुत सी दुकानें और बड़े बड़े गोदाम खाने पीने की चीज़ों से भरे रहते हैं, तो मैं शहर जाकर ऊंचा जीवन व्यतीत करूँगा। ऊंचा जीवन का मतलब होता है अच्छा जीवन व्यतीत करना। सभी ने उसको बहुत समझाया कि परिवार के साथ रहो, परंतु वह चूहा जिसका नाम पिंकू था ना माना। संध्या में किसी समय ट्रक लेकर मजदूर शहर की ओर चले। अब ट्रक में छिपकर शहर चला गया। जो चूहा ट्रक के साथ आए थे वे सारे गांव में फैल गए। उन्हें वहां किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सेठ जी की दुकान में भी उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया। गांव में उत्पात मचाने वाले चूहों में एक चूहा स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझता था। उसका नाम टिंकू था। कुछ महीने व्यतीत हुए होंगे कि वह गांव के जीवन में ऊब गया। उसे मालूम था कि शहर में मौज कर रहा है, वह पिंकू मौज कर रहा है। वह भी शहर जाने के सपने देखने लगा। एक दिन परिजनों की जिद पर पिंकू सपरिवार गांव आया। सभी चूहों ने उसका स्वागत किया, सारे शहर के गांव में घुमाया। किसी ने मक्खन, गुड़, शीरा, अन्य वस्तुएं खिलवाई तो कहीं से कुछ अन्य। एक सप्ताह गांव में जीवन का आनंद लेकर वह सपरिवार शहर लौट गया। जाते जाते टिंकू के परिवार को शहर में अपने घर पर आमंत्रित कर गया। जब टिंकू परिवार को लेकर शहर गया तो वह बहुत थक गया। रात भर यातायात के शोर, लंबी लंबी कतारों में मोटर कारों में जाम, ध्वनि, वायु प्रदूषण से वह अपने परिवार की हालत खराब कर दी। मिलावटी भोजन खाकर वह बीमार पड़ गए। चूहा मुफ्तखोर जीव है तथा मनुष्यों को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाता है। इस कारण एक दिन मकान मालिक ने अपने घर पर मुफ्तखोर जीवों को मारने के लिए विषैले कीटनाशक छिड़काव करवाया। उसकी तीव्र गंध से जान बचाने के लिए खांसते हुए सभी को भागना पड़ा। टिंकू से उसकी पत्नी बोली, चलो लौट चलें। किसी तरह टिंकू जान बचाकर सब परिवार सहित गांव लौट आया। पत्नी बोली, गांव में शांत स्वस्थ प्रद जीवन को छोड़कर तुम शहरी जीवन की प्रशंसा किया करते हैं थे, अब बोलो क्या मिला शहर जाकर। टिंकू चूहे के पास कहने को कुछ नहीं था, वह सिर झुकाए सुनता रहा। शब्दार्थ, दैनिक उपयोग वाली यानी रोजाना काम आने वाली, युवा जवान, व्यतीत करना बिताना, बुद्धिमान होशियार, ध्वनि आवाज या कोलाहल, वायु प्रदूषण, हवा में विषैले तत्वों का होना, मुफ्तखोर, मुफ्त का खाने वाले, विषैले यानी विष वाले, कीटनाशक, कीटों को मारने वाले, तीव्र यानी तेज, स्वास्थ्यप्रद
यानी स्वास्थ्य देने वाली। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सेठ जी की दुकान थी गांव में। मजदूर बोरियां भरकर लाए ट्रक में। युवा चूहा ने मुखिया चूहे से कहा कि वह शहर में जाएगा। पिंकू चूहा शहर चला गया ट्रक में छिपकर। रिक्त स्थान भरो। चूहे बोरियों में छिपकर आए थे। चूहे गांव में उत्पात मचाने लगे। टिंकू गांव के जीवन से ऊब गया। सभी चूहों ने पिंकू चूहे को सारे गांव में घुमाया। मिलावटी भोजन खाकर टिंकू चूहा का सारा परिवार बीमार पड़ गया। कथन सही गलत। मनुष्य वो चूहे से मनुष्य को अनेक लाभ हैं। गलत। चूहा मुफ्तखोर जीव माने जाते हैं। सही। टिंकू चूहे का परिवार शहर की हालत नहीं जानता था। सही। कोई भी व्यक्ति अस्वास्थ्यप्रद जीवन पसंद नहीं करता। सही। जोड़ियां। सेठ जी ने समीप के गांव से कुछ बोरियां मंगवाई। मैंने मजदूरों को बात करते सुना। सेठ जी की दुकान में चूहों ने अड्डा जमा लिया। गांव में उन्हें किसी चीज की कमी न थी। पिंकू चूहा शहर में जाकर मौज कर रहा था। बोरियों में किन्होंने अपना परिवार समाया हुआ था। बोरियों में चूहे ने अपना परिवार बसाया हुआ था। पिंकू चूहे ने शहर के बारे में क्या सुन रखा था। पिंकू चूहे ने सोचा कि शहर में जाकर ऊंचा जीवन व्यतीत करेगा। कीटनाशक किसने छिड़कवाया था। कीटनाशक दुकान के मालिक ने छिड़कवाया था। टिंकू चूहे को शहरी जीवन से क्या सीख मिली। टिंकू चूहे ने शहरी जीवन के बारे में जो सोचा था वह गलत था।